like a bell cut. This is सूरज सिंह, आपका भाई, आपका दोस्त. आज एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन बेसिक सप्लीमेंट्स के बारे में, जो कि हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सेकेंड थिंग यार, हमारे बजट में होना बहुत जरूरी है. तो आज हम बात करते हैं तीन सप्लीमेंट्स के बारे में. दूसरा एक और बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, जो लॉकडाउन के बाद जब से जिम ओपन हुए हैं, कई लोग ये गलती कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, और वो गलती मैं भी कर चुका हूँ, ओवर ट्रेनिंग का. गाइस सही सुना आपने, मैंने भी वो गलती करी है ओवर ट्रेनिंग की. चार महीने के लॉकडाउन के बाद जब जिम्स ओपन हुए तो हम सभी के माइंड में यही था कि यार बस आज तो ऐसा वर्कआउट करना है जैसा हमने पहले कभी किया ही ना हो, और जोर जोर पे हम सब कर बैठे हैवी वेट ट्रेनिंग. हाँ गाइस, हम सब ने ये गलती करी है, मैंने भी ये गलती करी, और हुआ क्या, मैं भी इंजर्ड हो गया. एक हफ्ते के लिए वर्कआउट बंद हो गया, मेरा लोअर बैक गया था. आफ्टर वन वीक मैंने दोबारा स्टार्ट किया. सो गाइस, ये गलती आप सबको नहीं करना है. होता क्या है ना गाइस, चार महीने पहले जो हमारा वर्कआउट शेड्यूल चल रहा था, हमारा स्टैमिना लेवल अलग था, हमारी स्ट्रेंथ अलग थी, हमारा डाइट अलग था, सप्लीमेंट सब कुछ था, हमारे पीक पर चल रहा था. तो हमारे माइंड में ना वही पिक्चर बनी हुई थी कि यार अब आज जिम खुला है, आज जाना है, तो हम सारे के सारे उसी लेवल पे सोच के गए और वर्कआउट कर बैठे. लेकिन उस चीज के लिए ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो रेडी नहीं थी यार. चार महीने का गैप बहुत होता है गाइस, वापस आएगा उसी लेवल पे हम लोग वापस आएंगे, लेकिन कम से कम दो से तीन हफ्ते लगेंगे. धीरे धीरे हमें वेट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और अपने वर्कआउट को ठीक से करना है ताकि हम फिर से उसी लेवल पे आ सके. तो जल्दीबाजी नहीं करना गाइस. जो गलती मैंने करी है वो आप लोग मत करना, और धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है. और सप्लीमेंट्स भी हमें 15-20 दिन बाद ही ऐड करना है ताकि हमारी बॉडी फिर से पहले की तरह सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगे. बात करते हैं तीन बेसिक सप्लीमेंट्स के बारे में, जो सबसे पहले तो हमारे बजट में आए, दूसरा हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जो बहुत जरूरी है. तो यार जो भी मेरे चैनल पे नया है ना, वो यार सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, और एक बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस करना ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए. तो गाइस बात करते हैं तीन सप्लीमेंट्स के बारे में. फर्स्ट नंबर पे क्रिएटिन, सेकंड पे BCAA, और थर्ड सबका फेवरेट प्रोटीन. ये तीनों चीज यार हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बात करते हैं पहले क्रिएटिन का. इसके लिए वैसे मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई है, जिस किसी को भी स्पेशली क्रिएटिन के ऊपर वीडियो देखनी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, तो जाके वीडियो जरूर देखें. क्रिएटिन यार सबसे पहले तो भाई हमें फुल एनर्जी देता है वर्कआउट के टाइम पे, हमारा स्टेमिना बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है. सेकेंडली सस्ता, टिकाऊ, और लंबे समय तक आप क्रिएटिन को यूज कर सकते हैं. अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो क्रिएटिन यार 600-1000 की रेंज में आ जाता है. पर स्कूप की कॉस्ट अगर आप निकालोगे तो 11-12 रुपए एक स्कूप का, एक दिन का आपको पड़ेगा. दूसरे नंबर पे आता है BCAA. BCAA मीन्स ब्रांच चैन अमीनो एसिड. यार अमीनो एसिड की बात करूँ तो दो टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं. फर्स्ट इसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसके लिए हमें डाइट पर या फिर सप्लीमेंट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है. सेकेंड आता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लाइक क्रिएटिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. जिम जाने वालों को या फिर जो एथलीट्स है उनको यार एक नॉर्मल आदमी के अकॉर्डिंग ना ज्यादा अमीनो एसिड की जरूरत होती है, और जिसे कहीं ना कहीं यार फ्रेंकली बोल रहा हूँ डाइट से हम पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है. BCAA यार तीन इंपॉर्टेंट मेन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट ल्यूसीन, सेकेंड आइसोल्यूसीन, तीसरा वैलीन. तो ये तीनों ही अमीनो एसिड हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए, मसल रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. BCAA का फायदा क्या है यार, BCAA हमें थकने नहीं देता वर्कआउट के टाइम पे, हमारे मसल्स डैमेज को कम करता है, मसल्स रिकवरी को फास्ट करता है, और वर्कआउट के टाइम पे जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है उस वक्त हमें एनर्जी, पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है. बात करते हैं BCAA की कॉस्ट की. तो यार मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं बोल रहा, आप अगर आप सर्च कर सकते हो नेट पे कोई भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का, अगर आप BCAA देखो तो वो 1500-2000 की रेंज में आ जाएगा. और अगर पर डे एक स्कूप की मैं बात करता हूँ तो 30-32 रुपए का एक स्कूप पड़ता है वो. थर्ड नंबर पे आता है प्रोटीन. प्रोटीन के बारे में आप सबको पता ही है कि यार वर्कआउट के टाइम पे जो भी हमारे मसल्स टिश्यू डैमेज होते हैं उसकी फास्ट रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है,
और प्रॉपर प्रोटीन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेट, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो प्रोटीन थर्ड नंबर का था। बात करते हैं प्रोटीन की कॉस्ट की, तो यार कोई भी अच्छे से ब्रांड का अगर आप प्रोटीन देखे जो कि 5 LB का आता है, वो अराउंड 3500 to 4500 के बीच में ही रहेगा। और अगर पर डे की कॉस्ट की बात करूं तो मैं 60-62 रुपए के अराउंड का एक स्कूप का आपको कॉस्ट बैठेगा, जो कि यार वर्कआउट के बाद हमें लेना ही पड़ेगा यार, फास्ट ऑब्जर्व करती है हमारी बॉडी उस प्रोटीन को, वही प्रोटीन को। तो गाइस अगर ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं ना, तो एक दिन की कॉस्ट इन तीनों सप्लीमेंट्स की हमारी 100-110 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी गाइस। तो यार बॉडी बिल्डिंग के लिए 100 रुपए तो बनता है यार, ये कम से कम खर्चा है गाइस। और खैर जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो फिटनेस फ्रीक है, उसको पता ही है कि क्या क्या हमें और इसके अलावा डाइट पे भी हमें खर्च करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल एक बजट सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने बताया है, जो सस्ते अपने बजट में हम लोग इस इन तीनों सप्लीमेंट्स पे खर्च कर सकते हैं पैसे। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आप सबकी। और जो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही मैं हर बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने नई वीडियो हमेशा लेकर आऊंगा। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अपने भाई को सपोर्ट करो। और जो जिस किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में DM शूट कर सकता है या फिर मुझे कमेंट कर सकता है, मैं ट्राई करूंगा आपके उस टॉपिक पे भी वीडियो के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस फॉलो करो यार, बाय।